गुरु शिव सुरेन की बड़ी बहू सीता सुरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सुरेन की पत्नी कल्पना सुरेन ने आज हेमंत सुरेन के एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सीता सुरेन की बातों का यहां पर जवाब दिया। इस पोस्ट से बता दें कि उन्होंने हेमंत सुरेन और स्वर्गीय दुर्गा सुरेन की एक तस्वीर भी यहां पर पोस्ट की है। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि हेमंत जी के लिए स्वर्गीय दुर्गा दा सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य अभिभावक के रूप में रहे। 2006 में ब्याह के उपरांत इस बलिदानी परिवार का हिस्सा बनने के बाद मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर तथा समर्पण और स्वर्गीय दुर्गा दा का हेमंत जी के प्रति प्यार देखा। हेमंत जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे परंतु दुर्गा दादा की असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। हेमंत जी ने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी उनके ऊपर अब झामुमो आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म समाजवाद और वामपंथी विचारधारा के समन्वय से हुआ था। झामुमो आज झारखंड में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों समेत सभी गरीबों, वंचितों और शोषितों की विश्वसनीय आवाज बनकर आगे बढ़ रही है। आदरणीय बाबा एवं स्वर्गीय दुर्गा दा के संघर्षों और जो लड़ाई उन्होंने पूंजीपतियों, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ी थी, उन्हीं ताकतों से लड़ते हुए आज हेमंत जी जेल चले गए। वे झुके नहीं, उन्होंने एक झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना। वैसे भी हमारे आदिवासी समाज ने कभी पीठ दिखाकर समझौता कर आगे बढ़ना सीखा ही नहीं। झारखंडी के डीएनए में यह है ही नहीं कि झुक जाओ। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्षी। # झारखंड झुकेगा नहीं। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि पार्टी छोड़ता है, एक कार्यकर्ता का भी छोड़ना पार्टी के हित में नहीं होता है। लेकिन जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जो परिस्थितियां इधर हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा जो बातें सामने आई थी, उसी समय से हम लोगों तक ये बात पहुंच गई थी कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बीजेपी का रहा है, आज बीजेपी में बीजेपी के अपने लोग नहीं है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जनसंघी खतियान की बात करने लग गए, क्योंकि अभी बहुसंख्यक लोग वहां पर एजेंसियों को लगाओ, जो पॉलिटिकल वर्कर है उनके पीछे में सीबीआई और ईडी को लगाओ, और जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनके पीछे पहले आईटी, फिर डीआरआई और लास्ट में ईडी को लगा के एक तो राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने पास लाओ, दूसरा कॉरपोरेट से चंदा लाओ। तो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भारतीय संस्कृति में जो बड़ी बहू होती है परिवार की, उसको माँ का दर्जा प्राप्त होता है, और इन्होंने तो माँ का ही अपमान किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जिससे वो क्षुब्ध होकर जेएमएम का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने तो पत्र में स्पष्ट किया कि साजिश हो रही थी साहब उनके और उनकी बेटियों के खिलाफ, और अब ये कह रही है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात और तरह तरह की बातें कर रही है। मर्यादा भूल गई है जेएमएम और महिला विरोधी रही है ये शुरू से, और अपनी जो माँ समान बड़ी भाभी का इज्जत नहीं कर पाए पार्टी, वो दूसरे महिलाओं के बारे में क्या इज्जत करेगी। तो हमारा मानना है ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सीता सोरेन जी के जाने से इनको जोर का झटका लगा है संथाल परगना और पूरे प्रदेश में, और उसी से ये इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल कर सामने आ रहा है।